नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी देखिए एक हफ्ता हो गया हमने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आपसे, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बिना आपके कोऑपरेशन के ना तो मेरा ये चैनल कंटिन्यू चलेगा, ना मेरा जोश रहेगा, ना मैं वीडियोज बना पाऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मैक्सिमम नंबर में व्यू करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर भी करें, ताकि आपके अपने लोग जिन्हें आप चाहते हैं कि वो अच्छी नॉलेज लें, वो भी मेरे वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, फैमिली को बड़ा बनाने के लिए। आज देखिए मैं कुछ स्पेशल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने लिखा है इधर कंप्लेंट लेटर्स 10th class and 12th class। देखिए CBSE बोर्ड में लेटर्स आते हैं, 5 नंबर का लेटर आएगा 10th class में, 5 मार्क्स में एक लेटर आता है जिसमें कंप्लेंट लेटर या कोई चीज़ ऑर्डर करने के लिए लेटर लिखा जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, या जैसे किसी इलेक्ट्रिकल शॉप को फ्रिज के लिए ऑर्डर किया जाता है, या स्पोर्ट्स आइटम के लिए ऑर्डर किया जाता है किसी स्पोर्ट्स शॉप को। और देखिए फॉर्मल लेटर्स होते हैं इस तरह के, तो कंप्लेंट लेटर्स भी होते हैं। जैसे आपने फ्रिज खरीदा या वॉशिंग मशीन खरीदा तो और उसमें कुछ माल फंक्शनिंग हो गई, यानी कि वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, नॉट फंक्शनिंग वेल, देन वी राइट अ लेटर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इट एंड टू गेट इट रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। तो इसको रिप्लेस यानी वापस करवाना, बदल के दूसरा देना, या रिपेयर करवाने के लिए हम लेटर लिखते हैं। भाई इतने टाइम में हो जाएगा ठीक है, वरना कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे हम। दूसरा, ये लेटर्स जो है 10th और 12th दोनों क्लास में काम आएगा। मैं आपको एक जड़ की बात बता दूं, आप प्लीज वीडियो जरूर देखें और पूरा देखें, क्योंकि अगर कुछ भी पार्ट इसमें छोड़ा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर कुछ भी पार्ट आपने छोड़ा तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चीज आपके लेटर्स में। आपको 3 से 4 लेटर्स लिखवाऊंगा, पहले फॉर्मेट बताऊंगा, तरीके बताऊंगा। और मान लीजिए कंप्लेंट लेटर, जैसे हम एडिटर्स को लिखते हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं लेटर, या डायरेक्ट किसी डिपार्टमेंट को लिखते हैं, जैसे हमारे मोहल्ले में गंदगी की प्रॉब्लम है, इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आर सोसाइटी। इनसैनिटरी कंडीशन मीन्स गंदगी की दशा को, सैनिटरी माने सफाई, इनसैनिटरी गंदगी। तो या तो हम डायरेक्ट MCD कमिश्नर को लिखते हैं या फिर हम एडिटर को लिखते हैं। तो एडिटर को क्यों लिखते हैं और डायरेक्ट डिपार्टमेंट को क्यों नहीं लिखते? कई बार देखिए डायरेक्ट डिपार्टमेंट को लिखेंगे, जैसे टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर, हमारे एरिया में ये गंदगी की समस्या है, तो वो उस डिपार्टमेंट में ही बात रहेगी और उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, दे आर बींग सो लेजी, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तब हम एडिटर को लिखते हैं लेटर। एडिटर का काम क्या है? वो अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे या मिडिल पेज पे या इम्पोर्टेंट पेज पर हमारी लेटर को छापता है, हमारी प्रॉब्लम को छापता है। तो जब पब्लिक के बीच में कोई प्रॉब्लम पहुंचती है तो बड़े नेताओं तक बात जाती है, और वो नेता उस डिपार्टमेंट के कमिश्नर या कंसर्न्ड ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, भाई तुम्हारी बात पब्लिक में आ रही है, तुम ये काम करते क्यों नहीं हो, तो उस पर एक्शन जल्दी लिया जाता है, इसलिए एडिटर्स को लेटर लिखा जाता है, राइट? तो मैं लेटर टू एडिटर कंप्लेंट लेटर की अगर बात करें तो मैं आपको एक ही कंप्लेंट लेटर लिखवाऊंगा जिसमें कोई भी कंप्लेंट आ जाए उसमें बस 2 से 3 लाइन चेंज करनी है, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, आपको ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ओके? तो चलिए चलते हैं हम कंप्लेंट लेटर्स की तरफ, और सबसे पहले बात करेंगे लेटर टू एडिटर्स। अब देखिए एडिटर को जब लेटर लिखते हैं तो किस बारे में लिखते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, पावर कट हो रहा है, कंटिन्यू पावर कट हो रहा है, पावर फेलियर हो रहा है, वाटर सप्लाई में इश्यूज हैं, या चेन स्नेचिंग यानी चेन छीन कर भाग जाते हैं चोर बाइक पे चलते हुए, चेन स्नेचिंग की इंसिडेंट्स माने घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और दूसरा ये जो है थेफ्ट इंसिडेंट्स ज़्यादा हो रही हैं, चोरी की घटनाएं हो रही हैं, या फिर इनसैनिटरी कंडीशन, गंदगी की समस्या हमारे एरिया में ज़्यादा हो रही है, तो हम एडिटर को लेटर कैसे लिखते हैं, राइट? ये मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट,
तो 10th या 12th में कोई भी इस तरह का लेटर आता है उसका एक ही फॉर्मेट है, और फॉर्मेट को बस रटना है आपको, उसमें कोई भी दुनिया का लेटर आ जाए। ये मैं आपको बता दूं, आप 15 साल मैंने टीचिंग की है स्कूलों में, नैनीताल के डॉन बॉस्को बोर्डिंग स्कूल में भी पढ़ाया है, और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना बता सकता हूं कि मैं जहां पढ़ाया मेरी क्लास का रिजल्ट 100% रहा, फेल तो कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक चीज़ें स्टूडेंट्स को बताई। अभी देखिए ग्रामर भी चल रहा है हमारा, ट्रांसलेशन भी चल रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कराए, वोकैबुलरी चलता है। अब हम कब लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर टू एडिटर की बात करेंगे। दूसरा डिपार्टमेंट, एडिटर को लेटर ना लिख के डायरेक्ट डिपार्टमेंट को भी लिख देते हैं। थेफ्ट या चेन स्नेचिंग की जो बातें हैं वो हम पुलिस कमिश्नर को लिख सकते हैं, गंदगी की समस्या को हम MCD कमिश्नर को लिख सकते हैं, इस तरह से। और कोई चीज हमें वापस करनी है, वो खराब आ गई है, तो हम उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या शॉप को कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे पहले लेटर टू एडिटर। अब देखिए लेटर टू एडिटर का कंप्लेंट के बारे में हम लिख रहे हैं यहां पर, तो छोटी सी बात आपको याद रखनी है फॉर्मेट। सबसे पहले फॉर्मेट में सबसे पहले आता है सेंडर्स, सेंडर, सेंडर माने भेजने वाला, SENDER apostrophe है, सेंडर्स एड्रेस। ओके, सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले तो सेंडर्स या राइटर्स एड्रेस आता है, लिखने वाले को राइटर भी बोल सकते हैं, सेंडर मतलब जो भेज रहा है लेटर उसको लिख सकते हैं। तो सेंडर्स एड्रेस पहले आएगा, इसके बाद आएगा डेट। ओके, और डेट किस फॉर्मेट में आएगा, डेट आएगा जैसे मान लीजिए आज है 20th, तो 20th जुलाई, JULY, यहां पर कॉमा 2021, या फिर राइट 2021 कॉमा 20th जुलाई, या फिर ऐसे डाल सकते हैं। तो आप इस तरह से डेट डाल सकते हैं, बेस्ट फॉर्मेट है ये ऊपर वाला, इसी फॉर्मेट से आप डेट डालें। ज्यादा फॉर्मेट्स के चक्कर में पड़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा, ये डालूं वो डालूं क्या था, तो आप सिंपल एक पकड़ लो, आप ये फॉर्मेट डालोगे राइट। डेट इस यहाँ डेट लिखना नहीं है, जब लिखेंगे डायरेक्ट डेट लिख देना है। और एक चीज और करेंगे कि आजकल लेटर्स में सब कुछ एक सीध में रहता है, ऐसे कुछ भी इधर लेफ्ट या राइट नहीं होगा, सब कुछ लेफ्ट में होगा, एवरीथिंग इन द लेफ्ट। ओके, एवरीथिंग इन द लेफ्ट। तो देखिए सेंडर्स एड्रेस, डेट, और डेट के बाद आता है आपका रिसीवर्स, RECEIVER apostrophe S, रिसीवर्स एड्रेस, आप जिसको लिख रहे हो लेटर उसका एड्रेस फिर आएगा। इसके बाद आपका 1, 2, 3, फोर्थ नंबर पे आता है आपका सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन जैसे सर, मैम, मैडम, सर, सर्स, ऐसे कुछ, वो सैल्यूटेशन आएगा। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट आएगा, फिर सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट, और सिक्स्थ नंबर पर आपका आएगा बिगिनिंग, जिसको बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं, बिगिनिंग। ओके, बिगिनिंग। अभी देखिए आप किसी भी गूगल पे एग्जांपल्स देखेंगे या बुक्स में देखेंगे तो ये चीज नहीं बताएंगे, वो इस सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट बोल देते हैं कि यहां पर आएगा बॉडी ऑफ द लेटर। लेकिन हम यहां मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है कि पहले बिगिनिंग डालो, उसके बाद 7 नंबर है बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की बॉडी, बॉडी ऑफ द लेटर राइट। फिर आती है बॉडी ऑफ द लेटर, और बॉडी ऑफ द लेटर के बाद आता है एंडिंग, नहीं बताते तो हम बताएंगे एंडिंग, ओके, यानी समाप्ति, एंडिंग आती है। और 9 नंबर पर आपका आएगा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को एंडिंग या सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ओके, ऐसे आ जाता है। 9 नंबर पर आपका आएगा सिग्नेचर, ओके, सिग्नेचर। फिर आएगा आपका 10 नंबर पर नेम,
ओके। तो इस तरह से ये पार्ट्स ऑफ अ लेटर होते हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, बिगिनिंग, बॉडी ऑफ द लेटर, एंडिंग, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर एंड नेम। दीज आर 10 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ लेटर। अब वो कंप्लेंट लेटर हो या रिप्लेसमेंट या रिपेयर का लेटर हो, किसी शॉप को फ्रिज खराब हो गया है उसको, या फिर किसी डायरेक्ट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को आप लेटर लिख रहे हैं। मान लीजिए आपके एरिया में इनसैनिटरी कंडीशन है, यानी गंदगी की समस्या ज्यादा है, तो आप किसको लिखेंगे? म्यूनिसिपल कमिश्नर को, ताकि वो सफाई कर्मचारियों को भेजे एरिया में कंटिन्यू रूटीन पर और आपकी गंदगी साफ हो एरिया की, राइट? तो अगर वो सुन नहीं रहे, उसके बाद आप एडिटर को लिखते हैं, तो नेताओं तक जब बात पहुंचती है न्यूज़पेपर के थ्रू, तब वो उस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को समझाते हैं और वो उस एरिया का काम कराते हैं, राइट? क्योंकि देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई लापरवाही जानबूझ के करता है, हो सकता है कार्य बहुत है इसलिए देरी हो रही है, तो आप लेटर लिखते रहो, राइट? अभी देखिए, ये इस तरह से लेटर की ये होता है बॉडी पार्ट्स। अब मैं एक ही लेटर कंप्लेंट का लिखूंगा आपको, जिसमें आप कंप्लेंट टू इलेक्ट्रिसिटी, मैं पहले लिखवा देता हूं एक लेटर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस लेटर में आप थोड़ा सा चेंज कर करके क्या क्या डाल सकते हो, राइट? एक लेटर तैयार करना और सारे लेटर टू एडिटर रेडी। अब देखिए, कंप्लेंट लेटर में मैक्सिमम कंप्लेंट लेटर ही एडिटर को लिखे जाते हैं, जब कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सुन नहीं रहा है, कोई विशेष डिपार्टमेंट सुन नहीं रहा है, तो हम लेटर टू एडिटर करते हैं। तो ये पार्ट्स आपने नोट कर लिए हैं, पेंसिल, पेन और कॉपी लेकर बैठे। अब हम बात करेंगे एक लेटर की। मान लीजिए मैं लेटर की लैंग्वेज लिखता हूं, लेटर की लैंग्वेज लिखता हूं कि यू आर रवि और रीना ऑफ B43 मोहन गार्डन द्वारका दिल्ली, द्वारका न्यू दिल्ली 110059। अब देखिए, यू आर रवि या रीना ऑफ, आप रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट माने निवासी, B43 मोहन गार्डन द्वारका न्यू दिल्ली 59, राइट? यू हैव बीन फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम, बिग या ह्यूज, ह्यूज माने भी बड़ा होता है, ह्यूज प्रॉब्लम, ड्यू टू माने के कारण, ड्यू टू इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, राइट? ऑफ योर लोकेलिटी एंड हैव रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट दिस टू the concerned department several times but no action has been taken, कोई action नहीं लिया गया है। आप कई बार डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को ये लिख चुके हो, कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
अब यहां पे लिखेंगे राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, या फिर यहां लिख देते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स टू ड्रॉ टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन द न्यूज़पेपर, राइट। अब देखिए ये हो गया क्वेश्चन, यू आर रवि और रीना ऑफ B43 मोहन गार्डन द्वारका न्यू दिल्ली 59, यू हैव बीन फेसिंग अ बिग या ह्यूज प्रॉब्लम ड्यू टू इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी एंड हैव रिटन लेटर्स। तुम इनसैनिटरी कंडीशन को जो फेस कर रहे हो लोकेलिटी में उसको इन्फॉर्म करते हुए एडिटर को लेटर लिखना है आपको, इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी एंड हैव रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट दिस, और लेटर लिख चुके हो इसके बारे में कंप्लेंट करते हुए टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, संबंधित विभाग को कई बार लेटर लिख चुके हो, सेवरल टाइम्स, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर या हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़, दिस प्रॉब्लम इन द न्यूज़पेपर, तो इस प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए आपको एक लेटर लिखना है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। आपका एड्रेस देखो ये दे दिया है, सबसे पहले क्या आता है लेटर में, सेल्फ एड्रेस, सेल्फ एड्रेस, राइटर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर सेंड कर रहा है, जो भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है, जो अपने बारे में लिख रहा है, अपने एरिया के बारे में लिख रहा है, तो सेल्फ एड्रेस, अपना एड्रेस डालेंगे, राइट। और ये प्रॉब्लम है तो ये आप नोट कर सकते हैं, वीडियो बीच में पॉज करके लिख सकते हैं इसको आप। अब हम आपको बताएंगे कि लेटर कैसे लिखा जाता है, लेटर के पार्ट्स मैं आपको बता चुका हूं, राइट। आगे अब बात करते हैं, ये है सेंडर्स एड्रेस। देखिए आपका एड्रेस ये दिया था B43 मोहन गार्डन द्वारका न्यू दिल्ली 59, तो यहां सेल्फ एड्रेस आ गया यानी सेंडर्स एड्रेस यानी कि राइटर्स एड्रेस। उसके बाद आता है डेट, इस फॉर्मेट में हमने डाल दिया 20th जुलाई 2021, राइट। फिर हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, ITO पे है ऑफिस इसका दिल्ली में, ITO न्यू दिल्ली। अब एक और चीज इसमें स्पेशल आपको याद रखना है, इतना समझ में आ गया होगा कि जो भी हम नया वर्ड लिखेंगे इस एड्रेस में या इस एड्रेस में, वो हर नया वर्ड, हर न्यू वर्ड कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। तो देखिए इसमें बी, इसमें मोहन में एम, गार्डन में जी, द्वारका में डी, न्यू में एन, दिल्ली में डी, यहां पर दा में टी, एडिटर में ई, दा में टी, हिंदुस्तान में एच, टाइम्स में टी, ITO शॉर्ट में तीनों कैप्स में ही होते हैं, न्यू दिल्ली में एन और दिल्ली में डी। तो इस तरह से आप बीच में डेट डाल देंगे, एक एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, तो ये आपके देखिए इतना फॉर्मेट पूरा हो गया। अब मैंने बताया कि सैल्यूटेशन आता है तो रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं आप, या फिर डियर सर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, ओके, और कॉमा। तो रिस्पेक्टेड या डियर में डी या आर कैपिटल, और बाद में सर जो लिखेंगे तो एस स्मॉल आएगा, ध्यान रखना कैपिटल, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहां पर एस कैपिटल नहीं बना देना वरना नंबर कट जाएंगे, आधे नंबर का होता है ये सैल्यूटेशन, यहीं पर कट जाएगा। और देखिए फिर आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट शॉर्ट में लिख के डॉट, फिर ये कॉलन लगा देंगे आप, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे कि कंप्लेंट माने शिकायत, कंप्लेंट
अगर टी हटा देंगे तो कंप्लेन बन जाएगा, ये बन जाएगा वर्ब, कंप्लेन माने शिकायत करना, और कंप्लेंट है तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी शिकायत। तो कंप्लेंट अबाउट किसके बारे में, कंप्लेंट इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी, ये भी डाल सकते हैं। अदरवाइज सब्जेक्ट जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, लेटर की बॉडी में भी बिगिनिंग एंडिंग सब कुछ टू द पॉइंट होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, ज्यादा भरमार नहीं करनी है हमें, ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इनसेनिटरी माने गंदगी, कंडीशन माने दशा, गंदगी की दशा। देखिए सब्जेक्ट हमारा हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम चलाएंगे बिगिनिंग, मैंने जो बताया था बिगिनिंग ऑफ द लेटर। तो बिगिनिंग, जब भी हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं तो उसको सम्मान के साथ लिखना पड़ेगा, तो शुरुआत ऐसे करेंगे, थ्रू माने के द्वारा, थ्रू दी एस्टीम्ड माने सम्मानजनक कॉलम, कॉलम माने खांचा यानी कि पेज, थ्रू दी एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन of the concerned authorities towards the growing number of difficulties due to insanitary condition of our locality। सारी बात हमने बिगिनिंग में लिख दी, राइट। अब मैं इसको समझा देता हूं कि थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के सम्मानजनक कॉलम के द्वारा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूं, क्या खींचना चाहता हूं, द काइंड अटेंशन, दयालु ध्यान, इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं, द काइंड अटेंशन किसका, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अब कोई वर्ड वहां लिखा जाए और आधा बच गया तो यहां लिखते हैं, तो वहां पर डैश लगाते हैं, यहां डैश नहीं लगाते, ठीक है। तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज कौन होंगी, कि अगर हम इनसेनिटरी कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यानी कि जाहिर तौर पर, क्लियरली, ऑब्वियसली माने क्लियरली, हम कंसर्न्ड अथॉरिटीज किसको बोल रहे हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट यानी म्यूनिसिपल कमिश्नर को, राइट, एमसीडी डिपार्टमेंट के कमिश्नर को बोलना चाह रहे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स द ग्रोइंग नंबर, बढ़ती हुए संख्या की तरफ, टूवर्ड्स माने की तरफ, किसकी तरफ, द ग्रोइंग नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, समस्याओं के बढ़ते हुए नंबर की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं हम, किसकी वजह से जो समस्याएं बढ़ रही हैं, ड्यू टू माने के कारण, इनसेनिटरी कंडीशन गंदगी की दशा के वजह से जो समस्याएं बढ़ रही हैं ऑफ आवर लोकेलिटी। तो हमारे लोकेलिटी में गंदगी की समस्या के कारण जो डिफिकल्टीज यानी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उनकी तरफ हम कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब एक चीज और याद रखें कि पूरा लेटर में बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में सीध में लिखना है आपको, ना कुछ भी लेफ्ट ना राइट, सब एक सीध में, लेफ्ट में ऐसे लाइन से, राइट। और ये चीजें जितने एरिया में आएंगी आएंगी सब्जेक्ट तक, उसके बाद जो भी चीज लिखेंगे हम बिल्कुल राइट मोस्ट ऐसे लाइन लगा के सीध में, कुछ भी लेफ्ट राइट नहीं होगा, दोनों तरफ से ऐसे सीधा लेटर चलेगा नीचे तक, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बिगिनिंग। अब बिगिनिंग में ही हम किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में एडिटर को लेटर लिखेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा, एक लेटर पूरा करा आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ये बिगिनिंग है। अब हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो बॉडी ऑफ द लेटर में यहां पर एक लाइन का गैप देंगे, इसका मतलब है गैप, उसके बाद न्यू पैराग्राफ लिखेंगे हम, न्यू पैराग्राफ को हम एक लाइन छोड़ के फिर स्टार्ट करेंगे, तो सुंदरता आती है लेटर में ऐसे, राइट, और पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको बिगिनिंग ऑफ द लेटर बताया, अब है बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर में हम दो पैराग्राफ लिखेंगे, काफी हो जाता है, 150 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे आपके शुरू से एंड तक। बॉडी ऑफ द लेटर में हम करेंगे बॉडी पैराग्राफ वन, इस ऐसे लिखना नहीं है आपको बॉडी पैराग्राफ वन, ये मैं दिखा रहा हूं आपको लिख के, आपको ऐसे ही शुरुआत करनी है, एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ बिगिनिंग के बाद, जो हमने बिगिनिंग बताई आपको, बिगिनिंग के बाद आप यहाँ शुरू करेंगे, फर्दर माने आगे, कॉमा, आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म,
मैं ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ दैट देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज. हीप्स माने होता है ढेर, बड़े बड़े ढेर. गार्बेज माने कूड़ा करकट, कूड़ा कचरे के ढेर. देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज लाइंग माने पड़े हुए हैं. हियर एंड देयर यहाँ वहाँ कूड़े करकट के ढेर पड़े हुए हैं. इन द स्ट्रीट्स गलियों में. एंड बिग होल्स और बड़े बड़े छेद गड्ढे हैं गलियों में ही. इन विच जिनमें रेन वाटर स्टेगनेंट्स, स्टेगनेंट्स माने ठहर जाता है, भर जाता है, रुक जाता है. रेन वाटर स्टेगनेंट्स और फिर डैम किसमें? बिग होल्स में. इन डैम पानी भर जाता है. एंड मॉस्किटोज ब्रीड मच्छर पैदा हो जाते हैं. मॉस्किटोज ब्रीड पैदा होना. एंड दे स्प्रेड और वो फैलाते हैं. एपिडेमिक माने महामारी. तो एक पैराग्राफ ये हो गया. दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर मैंने लिख, आपको नहीं लिखना है बॉडी पैराग्राफ टू, आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपली एक लाइन छोड़नी है. फिर दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे. स्वीपर्स माने सफाई कर्मचारी, स्केवेंजर्स. स्वीपर्स कम हियर वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार आते हैं स्वीपर्स. इवन आफ्टर आवर सेवरल माने कई रिमाइंडर्स, हमने कई रिमाइंडर दे दिए हैं उनको लेटर लिख लिख के, तो उसके बावजूद. इवन आफ्टर माने के बावजूद. इवन आफ्टर आवर सेवरल रिमाइंडर्स, हमारे कई रिमाइंडर्स के बावजूद स्वीपर्स कम हियर वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार आते हैं. एंड डू नॉट पिक द गार्बेज प्रॉपरली, और गार्बेज यानी कूड़ा करकट प्रॉपरली नहीं उठाते. ड्यू टू विच जिसके कारण इट हैज बीन डिफिकल्ट टू वॉक इन द स्ट्रीट्स, जिसके कारण इट हैज बीन डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल हो गया है. टू वॉक इन द स्ट्रीट्स गलियों में घूमना बहुत मुश्किल हो गया है. एंड रेजिडेंट्स हियर, रेजिडेंट्स माने निवासी, यहाँ पर जो निवासी हैं आर सफरिंग फ्रॉम सेवरल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स माने बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियों से सफर कर रहे हैं. स्पेशली चिल्ड्रन मुख्य रूप से बच्चे. ये हो गई आपकी बॉडी ऑफ द लेटर. तो आज अब हम बात करते हैं एंडिंग की. लेटर हमारा एंडिंग पे आ रहा है. हमने सेंडर्स एड्रेस डाला, डेट डाली, रिसीवर्स एड्रेस डाला, राइट. ये मेरी बेला है जो बीच बीच में बोलती है, डिस्टर्ब करती है, आई एम सो सॉरी. तो देखिए उसके बाद हमने बॉडी ऑफ द लेटर के दो पैराग्राफ लिखे, फिर अब हम लिखेंगे एंडिंग ऑफ द लेटर. एंडिंग में हम लिखेंगे सभी चीजों का निचोड़. आई हियर बाई रिक्वेस्ट दैट दिस मैटर शुड बी टेकन इन हैंड सीरियसली, ये मैटर इन हैंड सीरियसली लेना चाहिए, राइट. दिस मैटर शुड बी टेकन इन हैंड सीरियसली By the authorities concerned, जो concerned authorities भी लिख सकते थे, जैसे municipal authorities भी लिख सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक ही letter में सारे letter cover हो जाएंगे, तो यहाँ पर authorities concerned लिखना जरूरी है ताकि सबके लिए suit हो, कोई भी complaint letter हो. इसके बाद and some measurable steps must be taken, कुछ measurable माने मुख्य steps लिए जाने चाहिए to resolve this grim issue. grim issue माने सीरियस इशू एज सून एज पॉसिबल. थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन का मतलब होता है कि एडवांस में कार्य हो जाएगा, इसके लिए धन्यवाद. योर्स ट्रूली, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं योर्स में आर के बाद अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, दैट इज 100% रॉन्ग. आपको सिंपली योर्स लिखना है, YOURS, कोई कॉमा कुछ नहीं. Y कैपिटल, ट्रूली में T स्मॉल, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रूली yours, तो यहाँ T कैपिटल और yours में Y स्मॉल, लेकिन S और R के बीच में कोई अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, अक्सर मैंने देखा है वो गलत होता है. रवि या रीना द रेजिडेंट ऑफ द कॉलोनी, बस ये हो गया आपका लेटर. तो आज हमने आपको लेटर टू द एडिटर अबाउट इनसेनिटरी कंडीशन ऑफ आर एरिया बताया. अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लेकर आऊंगा आपको बताऊंगा कि इसी लेटर में कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके कोई भी लेटर किसी भी इशू से रिलेटेड हम एडिटर को कैसे लिख सकते हैं. आपको ये लेटर लर्न करना है, इसके बाद छोटे छोटे चेंज करके सभी लेटर इसी लेटर में फिक्स हो जाते हैं. तो मैटर एक ही लर्न करना है, लेटर सारे पूरे हो जाएंगे.
लेटर टू एडिटर आपका पूरा हो चुका है। थैंक यू सो मच, आप पूरा वीडियो वॉच करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी डालें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ स्पेशल पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे।